हेलो दोस्तों, आप सभी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेठालाल 100 करोड़ रुपए हरी भरी बैंक से लेकर फरार हो गया है। हरी भरी बैंक को उसने रूखी सूखी बैंक बना दिया है। पुलिस वाले आए हैं गोकुल धाम सोसाइटी। पुलिस ने जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोदाम कर दिया है सील, और अब उसके घर को करने वाले हैं सील। गोकुलधाम में पूछताछ से उन्हें पता चला है कि बबीता जी और अय्यर भी नहीं है गोकुलधाम में। पुलिस वालों ने बापूजी को भी बताया है कि वो भी जेठालाल के साथ 100 करोड़ रुपए के घोटाले में मिले हुए हैं। गोकुलधाम सोसाइटी साफ मना कर रही है कि जेठालाल ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं किया है। अब देखना होगा ये कि जेठालाल ने 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया है या नहीं किया। क्या बबीता जी और अय्यर भी जेठालाल के साथ 100 करोड़ रुपए के घोटाले में मिले हुए हैं? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हमें बताएं कि पुलिस वाले 100 करोड़ रुपए के घोटाले में जेठालाल को कैसे पकड़ेंगे। क्या जेठालाल गुनाहगार है या नहीं? वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।